फिंगरप्रिंट क्लोन कर पैसे निकालता रहा सीएससी संचालक, नहीं लगी किसी को कानोकान भनक। पुलिस के पास पहुंचा उपभोक्ता, तब कहीं जाकर पुलिस विभाग चौंका। कम वक्त में मुनाफे का ये कैसा चस्का, अपने ही ग्राहकों को लगा दिया मस्का। खून पसीने की कमाई डकार गया आरोपी, अगर ग्राहक ना दिखाता चौकसी तो खबर तक ना होती। कैसे सीएससी संचालक ने लगाया ग्राहक को चूना, खाते से निकाल रहा था रकम बनाकर उंगली का नमूना। शात्री पर पुलिस भी माता खोजा रही, कैसे रकम रिकवर हो ये पता लगा रही। तफ्तीश के दौरान पुलिस वाले भी रह गए भौचक्के, खुलासों से खुली रह गई आंखें, छूट गए छक्के। आरोपी ऐसा शातिर होगा सोचा न था, पुलिस को भी ऐसे फ्रॉड का एहसास न था। शातिरों पर लगाम कसने का दावा हो रहा है, लेकिन मासूम आज भी शातिरों का निवाला हो रहा है। उत्तर प्रदेश और अवैध धंधों का जैसे चोली दामन का साथ है, हर गली में पीड़ित है, क्या कोई दामन साफ है। प्रदेश से फ्रॉड का ऐसा मामला सामने आया है जिसने हल्ला मचा दिया है, जिस पर भरोसा करके उपभोक्ता अपनी सारी पूंजी सौंपता रहा, उसी ने नकली उंगली का इस्तेमाल कर सारे खजाने को साफ कर दिया। फ्रॉड का इससे शातिर मामला अब तक कभी सामने नहीं आया, खुद पुलिस के सामने जब खुलासा हुआ तो माथा चकरा गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल भदोही जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिले के चौरी थाना क्षेत्र के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ने एक ग्राहक का फिंगरप्रिंट क्लोन कर उसके खाते से कई किश्तों में 90,000 रुपए निकाल लिए। काफी परेशान होने और बैंक का चक्कर लगाने के बाद भी ग्राहक के खाते से रुपए कटने बंद नहीं हुए तो वो पुलिस के पास पहुंच गया। ग्राहक की शिकायत के बाद पुलिस ने जब इस मामले में जांच पड़ताल शुरू की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। क्लोनिंग कर बनाया गया फिंगरप्रिंट और उसे बनाने के उपकरण समेत कई अन्य सामग्री के साथ सीएससी संचालक और उसके सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों को मीडिया के सामने पेश करते हुए भदोही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा बताया गया कि चौरी थाना क्षेत्र के सुरहन गांव के रहने वाले गोविंद लाल मौर्य पुत्र कुंदन मौर्य के द्वारा चौरी थाने में शिकायत की गई थी कि उनके खाते से किसी ने फर्जी तरीके से 90,000 रुपए निकाल लिए हैं। इस मामले में गोविंद लाल मौर्य की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चौरी और औराई थाने की पुलिस के अलावा साइबर सेल के द्वारा जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस टीम के अथक प्रयास के बाद फिंगरप्रिंट क्लोन और फर्जी दस्तावेज तैयार कर रुपयों की ठगी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से क्लोन कर बनाए गए फिंगरप्रिंट और 38,800 रुपए नकद और फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस, 2 लैपटॉप, 1 मॉनिटर, स्कैनर मशीन, मोहर बनाने वाली मशीन, बटर पेपर बरामद किए। जारी सूचना में बताया गया कि पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो सरवरपुर निवासी पवन चौहान ने बताया कि वो ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है। ग्राहक सेवा केंद्र पर पैसे निकालने और KYC अपडेट करवाने के लिए आने वाले ग्राहकों की फिंगरप्रिंट और आधार विवरणों को लेने के बाद वो जौनपुर के रहने वाले गिरोह के 2 अन्य सदस्यों हृदेश कुमार कसेरा और अखिलेश मौर्य को देता था। दोनों लोगों की जौनपुर में मोहर बनाने की दुकान है, उसी दुकान पर इनके द्वारा फिंगरप्रिंट का क्लोन तैयार किया जाता था। क्लोन तैयार करने के बाद पवन ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से ग्राहक के खाते से आसानी से पैसे निकाल लेता था। पैसे निकालने के बाद तीनों लोग उसे आपस में बांट लेते थे। पकड़े गए तीनों अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस एक्शन कर रही है और पूछताछ भी जारी है। पुलिस की माने तो गिरोह में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसे में उनकी भी तलाश जारी है। जैसे ही पूरी तफ्तीश होती है वैसे ही न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।